तो ये जानकारी निकल के आया है कि एक्चुअल में उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था। एक प्रत्यक्षदर्शी की तरफ से पीटीआई को बताया गया है कि उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था और उन दोनों ने वापस में क्या बात कर रही थी गुस्से में। वीडियो तो हम सब ने देख लिया, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था ये बात सबको पता नहीं। पीटीआई ने जो रिपोर्ट छापी है उसके मुताबिक कायल व्यास ने विराट कोहली के पास गए थे ये पूछने के लिए कि विराट कोहली ने आखिर उनको गाली क्यों दे रही थी। तो इसके जवाब में कोहली ने बोला है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे थे। विराट कोहली और व्यास के बीच में जब बातचीत हो रही थी उसके बीच में ही गौतम गंभीर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में ही व्यास को बोलते हैं कि तुम साइड हो जाओ, इसके साथ बात मत करो। गौतम गंभीर ने व्यास को साइड कर देती है और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि गौतम गंभीर ने पॉजेसिव होकर व्यास को साइड कर देती है, लेकिन ये बात सच नहीं है, वो बिल्कुल पॉजेसिव नहीं थे। जिसके बाद ये लोग थोड़े देर एक साथ चलते हैं और गंभीर वापस चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गंभीर फिर से पलटते हैं। जब गौतम गंभीर के साथ साथ विराट कोहली भी पलटते हैं तब मामला बिगड़ने लगते हैं। इससे पहले आप लोगों को और एक बात बता देती हूँ, अमित मिश्रा ने बीच में एक बार अंपायर को शिकायत भी की थी कि विराट कोहली ने लगातार नवीन उल हक को गालियां दे रही थी, लेकिन जब विराट कोहली ने गौतम गंभीर को रिएक्ट किया तब मामला बिगड़ गई। जब गौतम गंभीर ने विराट कोहली के पास आकर उनको पूछा कि तू क्या बोल रहा है, इसके जवाब में विराट कोहली ने बोला है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप बीच में मत आइए। तब गौतम गंभीर की तरफ से जवाब आता है कि तूने मेरी फैमिली को गाली दिया है। इनके बाद विराट कोहली ने पलट कर कहते हैं कि अगर वो आपका फैमिली है तो आपका फैमिली को संभल के रखो ना। इसके जवाब में फिर गौतम ने बताया है कि अच्छा तू अब मुझे सिखाएगा, और यहीं पर कन्वर्सेशन है जहां पर कायल व्यास को हाथ पकड़ कर ले जाना और गौतम गंभीर ने विराट की तरफ भागना, यही कुछ चल रहे थे चर्चा में। लेकिन हम सबको तो पता है गौतम गंभीर और विराट पहले से ही कुछ बनता नहीं है। तो यही कन्वर्सेशन वहां पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने पीटीआई को बताया, क्या सच में विराट कोहली ने नवीन उल हक को गालियां दी थी। अगर विराट कोहली ने नवीन उल हक को गालियां नहीं दी है फिर नवीन उल हक का ये कैसा रिएक्शन था। नवीन उल हक ने बोला कि मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ, गालियां सुनने नहीं। और हाँ, विराट की एक बहुत ही खतरनाक सीन अब वायरल हो रही है जहाँ पर उन्होंने खुद की शूज पर इशारा करती है। लेकिन विराट कोहली का इस सीन को देखकर बहुत लोगों ने बोल रहा है कि विराट कोहली ने उनको अपने पाँव की धूल के साथ कंपेयर किया है। हालांकि इसको अब तक जस्टिफाई वेरीफाई नहीं किया गया है ऑफिशियली, लेकिन नवीन उल हक ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट जरूर डाला है। वहाँ पे वो लिखा है कि जो जैसा है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस घटना के बाद बीसीसीआई ने इन तीनों के ऊपर फाइन लगाया, जैसे कि विराट कोहली को 100% फाइन, गौतम गंभीर को भी 100% फाइन। जैसे कि विराट कोहली को 1.07 करोड़ का लॉस हुआ, गौतम गंभीर को 25 लाख लॉस हुआ, नवीन को 1.5 लाख लॉस हुआ। तीनों ही हाईलाइट में है, लेकिन अब इनसाइडर स्टोरीज बाहर आ रहा है, आपको भी अलग अलग कहानी सुनने को मिलेगा। अब आपको क्या लगता है असल में गलती किसका है, कमेंट पर जरूर बताना। और एक बात मेरी तरफ से आप लोगों को बताता हूँ, सचिन और एमएस धोनी को इतना रेस्पेक्ट क्यों मिला, क्योंकि उन दोनों का व्यवहार आचरण बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आजकल की प्लेयर ने सचिन और धोनी से कुछ सीखना चाहिए। और हाँ, आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।